लंबा कंटेंट नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, बी और बेस्ट क्लिप्स पे आप सब डिफरेंट पार्ट्स में बिंज वॉच कर पाओगे। ब्लैक टी शर्ट से शुरू करेंगे। अगर आप एनिमे देखते हो तो आपको पता होगा कि ये गोजो वाली जो टी शर्ट है जुजुत्सु काइसन एनिमे से है। ग्राफिक्स में सिर्फ तीन कलर्स हैं और वो है व्हाइट, ब्लू और रेड, और ये तीन कलर्स के हिसाब से मैं इसके साथ कोई भी टाइप की पैंट्स पहन सकता हूँ। अब क्योंकि टी शर्ट ब्लैक कलर की है तो मैं नीचे ब्लैक पैंट्स भी पहन सकता हूँ, टी शर्ट के ऊपर व्हाइट कलर है तो मैं नीचे व्हाइट भी पहन सकता हूँ, टी शर्ट के ऊपर ब्लू है तो मैं नीचे ब्लू जीन्स भी पहन सकता हूँ, टी शर्ट के ऊपर रेड है तो मैं रेड से तो मैच नहीं करने वाला पैंट्स। तो आप समझ लो जो पैंट्स मेरे पास अवेलेबल होंगी उनके जो कलर्स हैं उस हिसाब से मैं ऊपर के कलर सेलेक्ट करता हूँ। अब इसके ग्राफिक्स बारे में जो बेस्ट पार्ट है वो है कि पीछे तो बहुत बड़े ग्राफिक्स हैं ही, जो कि बैक प्रिंट पे तो बड़े ग्राफिक्स ही होने चाहिए, इसके सामने भी कोई छोटा ग्राफिक नहीं है और सेंटर अलाइंड एक बड़ा ग्राफिक है जिसमें बहुत सारा टेक्स्ट है, तो वो बहुत कूल लगता है एनिमे टाइप की टी शर्ट में। और इसकी एक और बहुत कूल चीज है कि इसकी स्लीव्स के ऊपर भी एक बहुत बढ़िया ग्राफिक है, बहुत कूल लग रहा है वो। और मेरे हिसाब से स्लीव्स के ऊपर अच्छे ग्राफिक्स होने चाहिए और स्लीव्स पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, बहुत कूल लगता है। जैसे हमारी अर्बन नीड्स की भी आप टी शर्ट्स देखोगे तो उसके अंदर भी हमने स्लीव्स के ऊपर अर्बन नीड्स लिखा होता है। अब ग्राफिक के अलावा इसकी फैब्रिक क्वालिटी की मैं बात करूं तो इसका मटेरियल पतला ही है, तो आप कॉलेज वगैरह पहन के जा पाओगे बहुत आसानी से, आपको गर्मी वर्मी नहीं लगने वाली। बाकी क्वालिटी बुरी नहीं है, वॉश होने के बाद मतलब 6-7 वॉशेस तक चल जाएगी अगर आप अच्छे से वॉश करोगे तो। बाकी एक बार इसके ग्राफिक का स्ट्रेच टेस्ट भी करके देख लेते हैं। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।